समाज के ऊपर गुलामी की इतनी जंजीरें थी कि वो हिंदू नववर्ष बनाना ही भूल गया था, अपने हिंदू त्यौहारों को बनाना ही भूल गया था। आज वो करवट बदली है। अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था उनका नववर्ष, उसमें लोग शराब पी के नववर्ष मनाते हैं, और हमारे यहाँ देखिए दीप प्रज्वलित करके प्रसाद बांट के हिंदू राष्ट्र बने, इस प्रकार की कामना सबकी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम एक राष्ट्र तो हिंदुओं का हो। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा, और फिलहाल चंद्रशेखर आजाद चौक पर हम खड़े हैं। पंचायत घर के नज़दीक के एरिया आता है, और फिलहाल आपने देखे होंगे भिवानी में, अगर आप आए हैं, छोटी काशी कही जाती है, और आपको नज़र आ रहा होगा आज नववर्ष है हिंदू संवत की बात करें 2080 के नाम से जाना जाएगा, और फिलहाल आप मौजूद हैं। अगर अंग्रेजी साल की बात करें 2023 में ही, लेकिन 2080वां साल लग चुका है। आज बात करने वाले हैं हिंदू नववर्ष को भिवानी छोटी काशी ने ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है, और आज इन लोगों के विचार हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लड्डू बट रहे हैं, दिए जलाए गए हैं, और माहौल यहाँ का बड़ा खुशी भरा है। फिलहाल मेरे साथ अमित बंसल मौजूद है, और बहुत सारे लोग देखिए, वो बाबूजी हैं, वो लड्डू खुद भी खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं। तस्वीरें देख लें, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले विनोद भाई, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा हिंदू नववर्ष है, विक्रम संवत 2080 का आरंभ हो रहा है आज, और इस पे इस नववर्ष पे हमने पूरे भिवानी शहर को, चौक चौराहे को और पूरे सर्कुलर रोड को एक भव्य तरीके से सजाया है। और हिंदू नववर्ष को आज हमारा युवा, हमारी जो समाज भूल चुका है, वो केवल नववर्ष वो मानता है जो 1 जनवरी को आता है, जबकि हमारा हिंदू नववर्ष आज के दिन है। पहला नवरात्र होता है चैत के महीने के अंदर, और हमें हम लोगों में यही जागरूकता लाने के लिए अभियान शुरू किया है हमने। भिवानी शहर की विभिन्न संस्थाओं ने विभिन्न चौकों को स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर सजाया है। ये चौक चंद्रशेखर आज़ाद चौक है आज जिस पर हम खड़े हैं आज, ये JCI भिवानी के द्वारा। कौन सा चौक आप लोगों ने आज वहाँ दिए जल रहे हैं बताना चाहिए? भिवानी के अंदर रोहतक गेट, महाराजा अग्रसेन चौक की बात करें, वहाँ अग्रवाल सभा और नारा देवी स्कूल के माध्यम से दीप प्रज्वलन किया गया है, और वहीं पर उन्होंने ही उनके माध्यम से चौक का सजावट की गई है। चंद्रशेखर जो आज़ाद चौक जिस पर हम खड़े हैं, ये JCI भिवानी के द्वारा सजाया गया है। हाथी गेट चौक, महाराणा प्रताप चौक जो है, वो वनवासी कल्याण आश्रम और लायंस क्लब के सहयोग से सजाया गया है, उस पर दीप प्रज्वलन चल रहा है। भगत सिंह चौक पर महावीर प्रसाद जी हैं अपने भारतीय कार परिषद से, इनके माध्यम से सजाया और दीप प्रज्वलन उन्होंने किया है। घंटाघर पे जो नेकी राम चौक है, उस पर उस पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा वो सजाया गया, और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे अलग अलग चौकों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या कहेंगे भिवानी में इस तरह की जागरूकता कहेंगे? या कुछ लोग तो बात करेंगे, पाश्चात्य की बात करते हैं, और फिर कहेंगे ये कौन सा, ये ढोंग कर रहे हैं आप लोग, ये तो अलग ही हिंदूवादी बात कर रहे हैं, BJP वाले हैं ये लोग। तो देखिए, इसमें BJP अगर कोई कहता है कि BJP वाले हैं हिंदू होना, मैं अपने आप में हिंदू हूँ, गर्व महसूस करता हूँ मैं हिंदू हूँ, और मेरे को अगर कोई कहता है BJP का हूँ तो कोई बड़ा विषय नहीं है, वो किसी पार्टी से कोई जोड़ना चाहता है, कम से कम हिंदू होना मैं तो अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता हूँ। और जो 1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते हैं, उसमें कोई नया कुछ नहीं होता है। विनोद जी, मैं आपको बताता हूँ, सर्दी के मौसम होता है ना, कुछ भी तो नया नहीं होता, हम बिल्कुल उदासी में महसूस करते हैं। आज का अब जो हमारा हिंदू नववर्ष, इसमें सब कुछ नया है। आप कुछ भी देखिए, फसल नहीं आ रही है, व्यापारी अपना वित्तीय वर्ष नया शुरू करेगा, स्कूलिंग बच्चे भी हैं वो भी अपना पाठ्यक्रम जो है वो एक अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से करेंगे, वो भी एग्जाम दे चुके हैं, उनमें भी उमंग है नहीं, ऋतु है वो भी नहीं है हमारी, सब कुछ नया है, इसलिए हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो नया है। हाँ जी, क्या कहेंगे, साइंटिफिक तरीके से मानते हैं हिंदुओं की जो भी चीज़ है, सनातन की जो भी चीज़ है, या भारत की जो भी चीज़ है, वो साइंटिफिक तरीके से होती है। सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह हम अंग्रेजी का नववर्ष बनाते हैं, वैसे हमें हिंदी महीने का भी नववर्ष बनाना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, तो भाई फिलहाल हम घंटाघर चौक पर मौजूद हैं, हर चौक सजा हुआ है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। महाराज जी अभी प्रसाद वितरण कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और अलग अलग चौक पर सैकड़ों लोग आज नववर्ष का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद हो रही है, फिलहाल लोग मौजूद हैं। महाराज जी से ही बात कर लेता हूँ। महाराज जी, आज नववर्ष है, शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हिंदू नववर्ष के इस दिन पर, पावन बेला पर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू संस्कृति को, जिस प्रकार से हमारे संस्कार और हमारे संघ, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे RSS हो, जिस तरीके से ले रहे हैं, हमने सब ने उनके साथ मिलकर के हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, और ये हिंदू राष्ट्र बने, इस प्रकार की कामना सब की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम एक राष्ट्र तो हिंदुओं का हो।
तो हम सबके प्रयास एक प्रेरणा है कि यहाँ इस भिवाणी को कम से कम इस प्रकार के माहौल में तैयार करें, जिस प्रकार से जो चला हुआ है। हिंदू नववर्ष बनाने का भी यही मतलब है कि अपने वर्ष को बिल्कुल पूरे शहर को कहीं कहीं सजाएं, चाहे मंदिरों को भी सजाएं, लोगों में इस प्रकार का विचार भी जाना चाहिए, तो ये हम सबकी कोशिश है ये सफल हो। प्रदीप बंसल, विश्व हिंदू परिषद से, और हिंदुओं का आज नया साल है, क्या कहेंगे शहरवासियों की तरफ से लोगों को? भाई साहब, पहले तो सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष सभी के परिवार में खुशियां लेके आए। बाकी आप देख ही रहे होंगे, पिछले साल की बजाय अब की बार आपने देखा होगा कि हिंदुओं के अंदर कितना उत्साह है नए साल के लिए। अभी पूरे चौक भिवानी के भगवान रंग में सजाए गए हैं, अभी यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया है और प्रसाद बांटा गया है। वो भी क्यों ना, एक जो अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक था उनका नववर्ष, उसमें लोग शराब पी के नववर्ष मनाते हैं, और हमारे यहाँ देखिए दीप प्रज्वलित करके प्रसाद बांट के फिर नववर्ष का आगमन किया जाता है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस नववर्ष को भगवान राम जी का राजा अभिषेक हुआ था, वो इसी दिन हुआ था। महाराज राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने आज ही के दिन विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। और सबसे बड़ी चीज़, संघ के अंदर जो हमारे परम पूज्य हेडगवार जी का जन्मदिन भी आज ही हुआ था। चलिए, संघ वाली बातें भी कर रहे हैं भाई, हालांकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी फिलहाल, लेकिन सभी को पसंद आएगी। हम तो इस आज के दिन से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं आपको, कोई अलग थोड़े बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमने ये बता दी कि भगवान राम का राजा अभिषेक आज ही के दिन हुआ था, इससे बड़ी चीज और क्या होगी। और देखिए, हम पश्चिम से 50 से 60 साल एडवांस है, लोग हमें पिछड़े हुए मानते हैं, पीछे मानते हैं, हम उनसे 50 साल आगे हैं। हम 2080 में हैं और 2023 में, ये भी तो डिफरेंस बहुत बड़ी चीज है। और जिसको भाई रहना है ना, मैं भी कहता हूँ 2023 में रहे, हम 2080 ही ऐसा है। क्या कहेंगे वरुण भाई? जय श्री राम। क्या कहेंगे आज? यही कहेंगे, जिस प्रकार एक हिंदू समाज के ऊपर गुलामी की इतनी जंजीरें थी कि वो हिंदू नववर्ष बनाना ही भूल गया था, अपने हिंदू त्यौहारों को बनाना ही भूल गया था, आज वो करवट बदली है कि वो आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर हिंदू अपना नववर्ष को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज का युवा अपने हिंदू वर्ष को बड़े गर्व से कह रहा है कि मेरा आज हिंदू नववर्ष है। तो ये एक बड़ा चेंज है, बड़ा बदलाव है, नए भारत की शुरुआत है कि अपनी सनातन संस्कृति को हम पुनः जीवित कर रहे हैं, पुनः विश्व गुरु भारत बनेगा, इसके राह पे हम सब। सर, सुधीर शर्मा जी मौजूद हैं और फिलहाल हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, क्या कहेंगे आज स्पेशली इस तरह भिवानी में, छोटी खासी में नववर्ष मनाया जा रहा है? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों में भारतीयता के प्रति और हिंदुत्व के प्रति जो एक जागृति आई है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रमी संवत, क्योंकि प्रत्येक राजा के बस की बात नहीं थी, राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये विक्रमी संवत, ये हमारा जो नया इंग्लिश कैलेंडर है उससे 57 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, और केवल वही राजा इसको स्थापित कर सकता था कि इस प्रकार से अपना कैलेंडर जारी करने से पहले उसने अपनी जनता का सभी जितना भी कर्ज होता था माफ़ करना होता था। जनता के प्रति उसका जो एक आकर्षण और उसका लगाव होता था, उस चीज़ को देखते हुए कि भी राजा प्रजा के प्रति दयालु हो और प्रजा के प्रति उसकी सजगता हो, इसलिए हम यही आकलन करते हैं कि जिस प्रकार से ये विक्रमी संवत मनाया जाए उसी प्रकार से प्रजा के ऊपर राजा का विशेष लगाव रहे और राजा प्रजा की हर प्रकार की भावना को ध्यान में रखते हुए उनके सुखद जीवन की कामना करे। और मैं सभी साथियों को, सभी भारतवासियों को नववर्ष विक्रमी संवत्सर की शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे में हिंदुत्व और भारतीयता की जड़ इतनी मजबूत हो कि भी हम विश्व को दिखा सकें कि भी हम भारतीय हैं और हमारे में हिंदुत्व का एक ऐसा जज्बा है जिसको हम अवश्य ही चरम सीमा पे लेके जाएंगे। और उसी प्रकार से एक समय था कि भी शिक्षा के क्षेत्र में और संपन्नता के क्षेत्र में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और विश्व गुरु कहलाता था, एक दिन वो आएगा कि फिर हम उसी प्रकार से विश्व गुरु की चोटी पे जाएंगे और विश्व गुरु कहलाएंगे। मेरी सभी साथियों से शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिन भाई भी काफ़ी जो सोशल वर्क होते हैं उसमें मौजूद रहते हैं, जैन वर्धमान ज्वेलर्स चलाते हैं चिन जैन जी, लेकिन ऐसे कामों में आगे मिलते हैं, क्या कहेंगे आज नववर्ष, दो शब्द आपके? देखिए, आज हिंदू नववर्ष है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम दूसरे धर्मों का
इतना सम्मान रखते हुए 1 जनवरी मनाते हैं और कुछ मनाते हैं, तो कम से कम हम अपना हिंदू नववर्ष न भूलें। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू नववर्ष और भी अधिक धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इतना देखने को नहीं मिलता। ऐसे में हम सब का यही प्रयास है, सभी को ये संदेश दें कि भी अपनी संस्कृति को बिल्कुल ना भूलें। आपको जो करना है वो करें, आप किसी राजनीतिक दल से हो। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि हिंदू धर्म है तो कोई विशेष राजनीति दल से नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम सब हिंदू हैं और हम हिंदू का नववर्ष मनाएं, ये तो बोली सौभाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए ये सब करें। एक आंटी जी भी हैं, ये भी आए हैं, क्या कहेंगे आंटी जी? स्पेशली एकमात्र महिला दिख रही हैं, हालांकि कई जगह और भी होंगे। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई जन जागृति शुरू हो रही है और मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि लोगों को आज अपने असली नववर्ष के बारे में पता चल रहा है और लोग बाग बड़े जोश से सुबह से ही लगे हुए हैं शहर के विभिन्न हिस्सों में अपने हिसाब से अलग अलग से आज बहुत अच्छा नववर्ष मना रहे हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि वो इसी तरह आगे और भी बढ़ चढ़ कर लें ताकि सभी को पता चले नववर्ष है क्या। जी बड़ी बात है भाई साहब, क्या कहेंगे आज? स्पेशली हर चौक पर दिए जलाए हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज? भाई साहब भिवानी शहर को पूरा सजाया गया है, सभी पोल सजाए गए हैं और हिंदू नववर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बल्कि मैं देखूँगा पूरे विश्व के अंदर हर जगह पर जहाँ पे हिंदू हैं वो नववर्ष बना रहे हैं। और हमारी जो पुरानी 2080 में हम हैं और अंग्रेजी न्यू वर्ष 2023 में चल रहा है, तो उनसे हम बहुत आगे हैं। चलो भाई एक बार लड्डू दिखा दो, ये लड्डू खा लो भाई, जो लोग दूर से हैं खुशबू को सुगंधित कर देगी कैमरे को। और फिलहाल भाई साहब सबको लड्डू प्यार से बांट रहे हो? बिल्कुल बांट रहे हैं जी। मजे आ रहे हैं? बहुत मजे आ रहे हैं। सेलिब्रेशन करते हुए? बिल्कुल सेलिब्रेशन करते हुए। विवेक भाई मेरे साथ मौजूद है। विवेक भाई वैसे तो काम धंधे में बिजी रहते हैं, लेकिन भिवानी वासी इन कामों में भी आगे रहते हैं कि कुछ भी अगर धार्मिक होता है, छोटी काशी कही जाती है, तो धर्म प्रयाण जो चीज़ें होती है उनमें आते रहते हैं। बिल्कुल आते रहते हैं जी। और हिंदुओं के लिए ये एक बड़ा त्यौहार है हिंदू नववर्ष। हमारा नववर्ष तो यहीं से चालू होता है, देखा जाए तो जो जनवरी 1 से शुरू होता है वो तो है अंग्रेजों का बनाया हुआ, ये हमारा हिंदू वर्ष तो यही, और हिंदुत्व की भावना इसी से हम जगाना चाहते हैं, और इसीलिए ये आज का इस वक्त में आज ये हम ये प्रोग्राम आयोजित किया है। आज सैकड़ों लोग मना रहे होंगे भिवानी में अलग अलग चौकों पर। सारे चौक आज सजे हुए हैं, हर एक चौक पे कोई ना कोई क्लब अपना प्रोग्राम कर रहा है। वैसे तो मोस्टली लोग कोई जेसीआई से होगा, कोई स्वदेशी जागरण मंच से होगा, लेकिन मुझे कुछ कुछ चेहरे आज नए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग आज स्पेशली निकल करके आए हैं, अमित भाई हैं पीछे खड़े हैं लेकिन आगे रहते हैं इन कामों में, और बहुत सारे चेहरे हैं भाई साहब, मजा आ रहा है। केक वेक भी कटेंगे क्या आज? केक भी कटेंगे सर, लड्डू बट रहे हैं फिलहाल तो, अपनी देसी चीज बिल्कुल, केक से दूर लड्डू बट रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ जी, और एक चीज है, शायद वो गलत ही होता है, लोग वाइन उड़ाते हैं या पता नहीं क्या क्या, नई साल पे जो 1 जनवरी को होती है उस पे नॉन वेज या क्या कुछ, लेकिन इसमें शायद नवरात्र है, सारी चीजें हैं, तो ये चीजें भी नहीं होगी। हमारा नववर्ष कुछ विशेष ही होता है, कह सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सही है। अच्छा, कहीं ना मायूस तो ना हो, नॉन वेज वो वाइन बोलने वाला मामला ही नहीं है, पता ही नहीं है भाई, कुछ कम बोल रहे हो, वाइन का नहीं पता भाई साहब। 31 तारीख को वाइन भी उड़ाते हैं और हिंदू वर्ष पे हमके लड्डू का केक भी काटते हैं। उन वाला तो नया साल खराब कर दो और अपना, बिल्कुल जरूरी है। चलिए सब चेहरे खुश हैं, आप भी खुश रहिए, हमारी तरफ से भी आप नव को नववर्ष की शुभकामनाएं ढेर सारी, और मनाइए, स्वदेशी रहना सीखिए, आप हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तानी रहना सीखे, आपकी परंपरा आपकी संस्कृति बहुत बड़ी है। तो फिलहाल मुझे भी लड्डू मिल रहा है भाई, आप देख लेना भाई, मेरा भी हाजिरी लग गई है फिलहाल, मैं ले रहा हूँ फिलहाल। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इस वीडियो को शेयर कर दो जो सनातन से हिंदू संस्कृति से प्यार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।